सी तैयार हो लो, फिर चलते हैं मंदिर वगैरह और किचन एकदम, क्योंकि पूजा वूजा करो, घर साफ ना हो पूजा करने का कोई मतलब नहीं होता। पोछा ओछा सारा कुछ, ये थैली में पूजा का सामान लाए थे इसलिए बनी। बाल्टी खाली हो गई पानी के लिए, और देखिए एकदम किचन किचन एकदम क्लीन है। और ट्राइपॉड लेने आई थी अपने लिए, पूजा वूजा करके फिर चाय बनाऊंगी। फिलहाल मैं थोड़ा सा तैयार हो लूँ, आप लोगों को मेकअप करेंगे, तो चलिए ट्राइपॉड में लगा लेते। फिर सारा सामान मैंने यहाँ ये यहाँ पे रख लिया, तो करना चाहिए। बिंदी वगैरह लगा ली थी, क्योंकि मैं बिंदी नहा के तुरंत लगा दूँ, क्योंकि लेट हो जाता है। जितना आता है, मुझे आता नहीं है, पर आपके कमेंट आए थे जितना आता है। कोई भी पेट में सीख के नहीं आता, देख थोड़ा थोड़ा ही करके सीखता है। और जिसे भी नहीं आता होगा ना, मेरे जैसे थोड़ा थोड़ा आने लग जाएगा। मुझे भी नहीं आता था, थोड़ा थोड़ा आने लगा है, मतलब सब लोगों की वीडियो वगैरह देख देख के। टोनर लगाया जिससे हमारी स्किन हाइड्रेट होती, मतलब टाइट वगैरह होती है, और अच्छे से पसीना नहीं आता। फिर ये मेरा सीरम है, इससे जो होता है ना, इससे जो हमारा मेकअप टिका है। तो यहाँ पे मैंने अपना वॉइस ओवर कर दिया, क्योंकि वीडियो हो रही थी बड़ी, और चेहरे पे अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए तभी हम कुछ लगाते हैं। तो यहाँ पे फाउंडेशन लगाएंगे, तो आपका मेकअप बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगा। जितना मुझे आता है उतना ही क्यों नहीं आता, उसके अलावा नहीं करी। तो सीरम अब लाइनर और ये सब लगा लूँगी ऑफ कैमरा, क्योंकि ऐसे बहुत टाइम लग जाए, वीडियो बहुत बड़ी हो जाए, मुझे वीडियो बड़ी नहीं करनी है, और फिर पूजा के लिए भी जाना लेट हो जाए, क्या फ़ायदा। तो इसलिए, और ये लगा रही हूँ फेयर लवली वीवीसी की होती है ना, जिसमें फाउंडेशन वगैरह सब होता है, तो वो वाली लगाई है। और ये अच्छी होती है, यही मैं हमेशा लगाती हूँ, मेकअप में फाउंडेशन वगैरह नहीं लेती हूँ, और फेस पैक लगा लेती हूँ। और देखिए बिल्कुल भी काला नहीं पड़ा। तो ये पहले मैंने करवा चौथ पे मेकअप किया था, तब भी आप पूछ रहे थे, तो ये बीवीसी बेबी बीवीसी क्रीम फेयर लवली की है, शायद मैं नाम सही से नहीं ले पा रही, मुझे याद नहीं आ रहा। और ये है मेरा फेस पैक, जो कि मेरे स्कीम के हिसाब से मैंने लिया है। आप अगर इस तरीके से करेंगे तो आपका मेकअप कभी काला नहीं पड़ेगा, देखिए। और ज़्यादा मुझे आता नहीं है, और अब बस रह गया मेरा लाइनर लगाना और मस्कारा लगाना, और सारा कंप्लीट हो गया। और देखिए एकदम से मेरी स्किन में जा रहा है ना, वाइट वाइट दिख रहा है ना, चेहरे से अलग दिख रहा है, एकदम स्किन से मैच कर रहा है। तो कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा। सादा और ज़्यादा मेकअप थोप लेंगे तो किसी कोई मतलब निक्का नहीं होता, सादा सिंपल और यही अच्छा लगता है। ये देखिए मस्कारा लगा दी, लाइनर मैंने ऑफ कैमरा लगाया था, क्योंकि मैं इतनी अच्छी लाइनर में हूँ नहीं। हाँ ठीक ठाक लगा लेती हूँ काम चलाऊँ, पर इतना नहीं आता मुझे, पर इतना कर लिया वही बहुत है। वो होती है ना मेहनत से हार नहीं माननी, एक दिन नहीं आएगा, दो दिन नहीं आएगा, कब तक नहीं आएगा। कोई पेट से सीख के थोड़ा आता है, बस यही कोशिश है, देखते कब मेहनत रंग लाती है। पर मेहनत करने से पीछे नहीं हट सकती, हर कब तक नहीं आएगा, एक ना एक दिन तो आएगा ही आएगा। और ये वाली लिपस्टिक लगा रही हूँ, मेरा मेकअप हो गया, बाल गीले, और ना कोई हेयर स्टाइल ना कुछ, बस क्लेचर लगा रखी क्योंकि बाल बहुत गीले हैं। और बिंदी लगा लिए, और आईब्रो वगैरह सेट नहीं किए, क्योंकि इतना मैं ये चीज़ें इतनी, आप लोग बोलते इतना सारा मंगाते हो तो मेकअप का सामान क्यों नहीं मंगाते हो, मैं नहीं मंगाती इतनी ज़रूर। मैं सोच रही हूँ मेकअप के सामान में पैसे वेस्ट करूँगी, बच्चों के लिए कुछ नहीं मंगा लूँगी, तो इतना है वही ठीक है। देखिए कैसा लग रहा है, तो कम्प्लीट हो गया है मेरा मेकअप। और चलिए ये मेरे पूजा की थाली है, भोले बाबा को जो जो पसंद है वो मैंने मंगाया है, यहीं बेचने आ गया था तो यहीं लिए। और चलिए चलते हैं। साड़ी थोड़ी सी मेरी पीछे से ऊंची हो गई, क्योंकि बारिश हो रही थी, छींटे हो रहे थे, इसलिए मैंने ऊंची साड़ी बांधी है, ज़्यादा नीची नहीं की है। और फिर बच्चों को लो प्लेट संभालो तो इतना नहीं हो पाया था, पीछे से थोड़ी सी सही से नहीं हुई, पर कोई नहीं। तो चलिए मंदिर चलते हैं। और मंदिर में इस बार इतनी भीड़ नहीं थी, बहुत कम लोग थे, जैसे पिछली साल थे उससे बहुत ज़्यादा कमी थे, पता नहीं क्यों थे। तो देखिए ये मंदिर आ गए हैं, और मंदिर में पास में ही मंदिर है। और ये देखिए सोना को भी पहना लिए थे कपड़े, वंशिका को भी पहना लिए थे कपड़े। और पीछे से देखिए, मैंने बोला ना साड़ी थोड़ी सी ऊँची लग रही, पर कोई बात नहीं, अभी नीचे करवा लूँगी मैं वंशिका से किसी बच्चे से। इस मंदिर में मैं आपको कितने 2 साल से लेके आ रही हूँ,
एक बार एक अलग मंदिर में गई थी उसमें, नहीं तो मैं इसी में लेके आती हूँ। वो वाला मंदिर थोड़ा रोड पे पड़ता है। तो चलिए ये देखिए भीड़ बहुत ज़्यादा लगी, कुछ लोगों ने अपनी पूजा भी करवाई थी, वो पूजा कर रहे हैं। और आप लोग भी भोले बाबा के दर्शन कर लीजिए। भोले बाबा बहुत सीधे होते, बहुत भोले भंडारी होते हैं, हम लोगों की इच्छा पूरी करें, अगले सोमवार तक जो सोचा है वो हो जाए और मैया पार्वती भोलेनाथ बाबा को मना पाए, क्योंकि मैया पार्वती मनाती है ना तो भोले बाबा और भी जल्दी से सुन लेते हैं। तो बस सोमवार की कहानी सुनिए, उसमें सेठ सेठाने की मनोकामना जैसे पूरी करी होती है वैसे ही हम लोगों की भी मनोकामना पूरी करें। तो यहाँ पे सभी देवी देवता हैं, बस यही उम्मीद करते हैं। ये माचिस मांगी थी, यहाँ बजरंगबली हैं, सभी लोग हैं सभी। और थोड़ा सा जल भगवान से ले लेना चाहिए, वो घर में छिड़कना चाहिए। और ये बाहर एक मूर्ति रखी है, यहाँ पर भी अपनी थोड़ी सी पूजा कर लूँगी। जल बचा लाई थी, छोटे से शिवलिंग भी रखा था, सारा सामान मैं अपना करके लेके आई थी, पर बैठने की जगह नहीं थी, पूरे में पानी पानी हो रखा था। तो यहाँ पे धूप बत्ती वगैरह लगा दूँगी, मंदिर के भीतर बहुत भीड़ लगी हुई, यहाँ पे परिक्रमा दे लूँगी। और ये सोमवार सावन का पहला सोमवार है, जो कि कल था, आज मेरा वीडियो जा रहा है, कल नहीं डाले थे क्योंकि मैं एक दिन पहले ही बना के रख लेती हूँ। तो यहाँ पे ये परिक्रमा देनी होती है और यहाँ पे शनिदेव, मतलब सभी देवी देवता हैं यहाँ पे। तो चलिए पूजा पाठ हो गई, अब घर चलते हैं। थोड़ा काम इतना था ना कि साड़ी वगैरह थोड़ी सही से नहीं हो पाई, पर कोई नहीं, काम धंधे, दो दो बच्चे हैं, फिर इतना हो नहीं पाता। वंशिका का टेस्ट भी था तो इसलिए। तो घर पे आ गए हैं, यहाँ पे बना रहे, मैंने पहनी हैं हरी हरी चूड़ियाँ, ये आगे ब्लॉग में दिखाऊंगी तब आप लोग देखिएगा। थोड़ी सी क्लिप आगे पीछे हो गई है क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करना था, इसीलिए आप लोग बोलिएगा मत प्लीज़ आगे पीछे हो गई। तो मैं बनाने जा रही हूँ लौकी की खीर, जो कि अभी नहीं खाऊँगी, मैं पूरे दिन कुछ नहीं खाती हूँ, सिर्फ चाय पी लेती हूँ और कुछ भी नहीं। मैं ना बहुत मतलब वैसे रहती हूँ, बहुत ज़्यादा नवरात्रे में बहुत कम चीज़ें, चाय से ज़्यादातर होता है, एक या दो बार चाय पीती हूँ, चाय से ही मैं पूरा व्रत रखती हूँ। और फिर भगवान बोलते हैं ना, मेहनत करते जाओ उसका फल मिलता है, तो वही कर रही हूँ। तो यहाँ पे दूध उबलने रख दिया, उस तरफ मेरी एक कप चाय बन रही है और इधर दूध है, 1.5 किलो दूध लिया है मैंने। इसमें मैंने घिया को घिया कस किया वो डाल दिया है, नचोड़ नचोड़ के, क्योंकि ज़्यादा वाला पानी अच्छा नहीं लगता। और फिर उसको जलाते रहो कोई मतलब नहीं है। तो मैंने दूध में बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है क्योंकि मुझे इसे वो बहुत पतला पतला गाढ़ा गाढ़ा बनाना ये। और ये लौकी की खीर है ना, बहुत रबड़ी के जैसे लगती है, बहुत अच्छी लगती है। गाँव में मैंने बनाई थी, सब लोग इतनी तारीफ़ कर रहे थे, बहुत ज़्यादा। देखिए इतना सारा पानी निकला, उसको निकाल दिया और इसको धीमी धीमी आँच पे, इसको बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आप लोग चाहें तो लौकी को उबाल करके दूध में करके उसे गाढ़ा कर सकते हैं, पर वो थोड़ा सा वैसे लगता है, ऐसे ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए इसको बनने देते, बीच बीच में हमें ये देखनी होती है, नहीं देखेंगे तो दूध निकल जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने चीनी डाल दी है और मेरी लगभग खीर बन आई है। जितनी हम मीठी खाते हैं उसके हिसाब से अपनी स्वाद अलग अलग होता है। और यहाँ पे देखिए थोड़ी सी देर और रखने देंगे, थोड़ी सी चीनी डालने के बाद ना पतली हो जाती है। और लौकी को बीच बीच में देखते रहेंगे गली है या नहीं गली है, इस तरीके से लौकी को ना गलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ये होता है। और कौन कौन लौकी की खीर बनाता है वो भी बताइएगा। यहाँ पे मैंने डाल दिया इलायची पाउडर तो इसमें मैंने, वैसे तो बहुत कुछ है, ड्राई फ्रूट वगैरह बहुत कुछ डाला जाता है, पर मेरे पास ये सब नहीं है। आप लोग मत कमेंट करिएगा कि ये डाल दीजिए वो डाल दीजिए, जो होगा वही तो डालूँगी ना। हमें बहुत, यहाँ पे मैंने डाल दिया मलाई और हमारी खीर बन के हो गई है तैयार। हम मुझे बहुत सारी रेसिपी आती, बहुत कुछ आता, पर वही है सामान नहीं मिल पाता है, सब चीज़ें इकट्ठी नहीं कर पाती, बैलेंस नहीं बन पाता, तो बस बैठी रह जाती हूँ। तो ये चीज़ें हैं, बनाना बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ सीखा है, पर चीज़ें अब नहीं हो पाती हैं, उन चीज़ों के जिस सामग्री चाहिए वो नहीं हो पाती, बजट नहीं होता, तो रह जाती हूँ। भोलेनाथ बाबा ने अगर सुना मेरा चैनल बहुत आगे गया, तो मैं हर रोज़ एक से एक रेसिपी दूंगी, क्योंकि मुझे रेसिपी का बहुत ज़्यादा शौक़ है। आप लोगों ने देखा भी, नहीं होता है तब भी मैं वो चीज़ें घर की चीज़ों से बनाने की कोशिश करती हूँ, क्यों नहीं होगा, होगा, पर मजबूरी फंस जाती है। और ज़्यादा देखिए कर्जा कर कर के बनाएं तो फ़ायदा नहीं है, कुछ पति परेशान होंगे, पति के लिए तो यहाँ आई, उनकी परेशानी बढ़ाने के लिए नहीं, घटाने के लिए। और ये चूड़ियाँ मेरे पति देव का गिफ्ट हैं,
वो चूड़ियाँ वो रात को ही लेके आ गए थे, गिफ्ट था मेरा। और मेरा गिफ्ट कैसा लगा, चूड़ियाँ तो आप लोगों ने देखी, पक्की वाली चूड़ियाँ लेके आई थी। अब बता दूँ 40 रुपये की 12 चूड़ियाँ दी। मैं छोटी छोटी चीज़ें भी बता देती हूँ। तो चलिए इन सबको ख़त्म करते हैं बातों को। यहाँ बनाने जा रही हूँ राजमा, और यहाँ राजमा उबलने के लिए रख दी। और इनको, ये मेरी अगले दिन की क्लिप है, उस दिन नहीं, सोमवार वाले दिन राजमा नहीं बनाए थे, उससे अगले दिन बनाए थे राजमा। इनको पसंद है तो सभी को पसंद है, इनको क्या। तो राजमा में नमक डाल के रख दे रही हूँ और ये उबलते रहेंगे। तब तो मैंने सारी कुछ तैयारी करके रख ली है। बहुत चीज़ें होती हैं जो कभी कभी सोचते नहीं शेयर करें, नहीं पर कमेंट आते तो फिर शेयर करनी पड़ जाती हैं। और बोलते हैं बहुत कुछ आता है, पर वही है, हर चीज़ करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है। तो चलिए ये बातें बहुत से किसी दिन फुर्सत में करेंगे, बातें तो कभी ख़त्म नहीं होती। राज में मैंने 2-3 लहसुन डाल दिए उबलते समय, इससे स्वाद थोड़ा सा बढ़ जाता है, अच्छा लगता है। तो ये उबल रहे, उधर मैंने कढ़ाई वगैरह अपनी रख ली है, राजमा उबल गए हैं। इधर मैंने सरसों का तेल लिया है, सरसों के तेल में दालचीनी डाल दी है और हींग डाल दी है, बड़ी इलायची भी डाल सकते पर मेरी इलायची ख़त्म हो गई है। और इसमें अदरक का पेस्ट डाल दिया है, अदरक मैंने अलग कूटी थी, लहसुन प्याज हरी मिर्ची का पेस्ट अलग बनाया है, चॉपर में कस लिया है। तो इसको इस तरीके से कर लेंगे, और देखिए भूंज गया। उसमें टमाटर डाल दिए हैं और सारे मसाले डाल देंगे, और ये देखिए। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे प्रीति राघव 126 है, उसे जल्दी से फॉलो कर लीजिए। और मेरे चैनल को अगर आप अच्छा लगा है अगर आपको, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और लाइक ज़रूर करिएगा। आपको इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगी, ससुराल ब्लॉग मिलेंगे, पीयर ब्लॉग मिलेंगे, जो पर्सनल लाइफ होती है वो मिलेगी, जो भी और यूट्यूबर दिखाते वही सेम मैं करने की कोशिश करती हूँ। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अब राजमा बन के हो गए तैयार, अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक